शैम्पू में बस दो चीज़ें मिला लेने से आपके बाल इतने लंबे और घने हो जाएंगे आप संभाल नहीं पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत ही अमेजिंग रेमेडी लेकर आए हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप अपने बालों को कैसे लंबा घना और मोटा कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगी आप शैम्पू में दो चीज़ें मिला लीजिए, उसके बाद आपके बाल इतनी तेज़ी से लंबे घने हो जाएंगे, साथ ही साथ बाल चमकदार होंगे, बालों में शाइन आ जाएगी, बालों का झड़ना बिल्कुल से रुक जाएगा, बाल घने और मजबूत हो जाएंगे। तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, बालों की कम ग्रोथ से बहुत से लोग परेशान रहते हैं, जबकि हमारे किचन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो तेज़ी से हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करती हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं में से एक है चावल, जो बालों की ग्रोथ को ही नहीं बल्कि बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर करता है। चाइना और जापान में महिलाएं हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के साथ साथ बालों को मजबूत बनाने और समय से पहले इन्हें सफ़ेद होने से रोकने के लिए चावल का इस्तेमाल करती चली आ रही हैं। इसमें कई ऐसे विटामिन और मिनरल मौजूद होते हैं जो बालों के सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। ये अमीनो एसिड, विटामिन बी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, फाइबर, जिंक और मैग्नीज जैसे पोषक तत्वों का बेहतरीन स्रोत है। चावल हमारे बालों को झड़ने से रोकता है, बालों को मजबूत बनाता है। इसमें इनोस्टेल होता है जो एक कार्बोहाइड्रेट है, डैमेज बालों को रिपेयर करता है और हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देता है और नए बालों को भी उगाता है। तो आपको यहाँ पर किसी भी क्वालिटी का चावल ले लेना है जो आप अपने घर में चावल इस्तेमाल करती हैं, वही चावल आपको यहाँ पर यूज़ करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर एक कोई भी बर्तन यहाँ पर यूज़ कर लेना है और इसमें आपको 3 चम्मच यहाँ पर चावल की ऐड कर देने हैं। अब आपको इसको अच्छे से धो लेना है, 2 से 3 बार अच्छे से इसे वॉश कर लीजिए ताकि इसकी गंदगी वगैरह सारी निकल जाए। इसके बाद दोस्तों, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें आपको ऐड करना है पानी। तो 1 गिलास इसमें आप पानी ऐड कर लीजिए। अगर आपके पास समय है तो आप इसे कम से कम 2 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे तुरंत बनाकर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अभी मुझे वीडियो शूट करना है तो इसलिए मैं इसे 2 घंटे ना रख कर मैं इसे अभी ही बॉयल करूँगी। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, इसे रख देना है गैस के ऊपर बॉयल होने के लिए इस तरीके से, और आपको इसे कंटिन्यू चलाते जाना है और लगभग आपको कम से कम 5 से 7 मिनट इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पर बॉयल करना है। दोस्तों, राइस वाटर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वाटर होता है हमारे हेयर के लिए। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा रूखे बेजान हो गए हैं, उनमें बिल्कुल भी जान नहीं है, बालों में बिल्कुल भी चमक नहीं है, बालों की ग्रोथ रुक चुकी है, बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो इस पानी के इस्तेमाल से आपके बालों की हेयर ग्रोथ फास्ट हो जाएगी, बालों में नई जान आ जाएगी, बाल मुलायम और चमकदार हो जाएंगे। इतना ज़्यादा पावरफुल होता है ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए। आपने हमेशा देखा होगा कि जो हेयर प्रोडक्ट होते हैं और स्किन प्रोडक्ट होते हैं उसमें बहुत अधिक मात्रा में चावल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि चावल हमारी स्किन के साथ साथ हमारे हेयर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। अब दोस्तों, आप लोगों से मेरी यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और एक छोटा सा कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइए आप मेरा वीडियो दुनिया के किस कोने से किस जगह से देख रहे हैं। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी का कलर एकदम से बिल्कुल वाइट सा हो गया है, पानी का कलर चेंज हो गया है। लगभग मैंने इसे 7 से 8 मिनट अच्छे से मीडियम फ्लेम पर बॉयल किया है। इसी स्टेज पर आपको यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर लेना है और इस पानी को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, और ठंडा होने के बाद इस पानी को आपको एक स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेना है। और जो बचे हुए चावल हैं इसका इस्तेमाल आप हेयर मास्क के रूप में भी कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको इसमें ऐड करना है 1 चम्मच हनी यानी कि शहद। दोस्तों, शहद में विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड और दूसरे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बालों को मॉइस्चराइज रखते हैं, उन्हें डीप कंडीशन भी करते हैं। बालों में शहद का इस्तेमाल करने से आपके बालों का झड़ना रुकता है, बालों की ग्रोथ फास्ट होती है, साथ ही ये रूखे सूखे जो बेजान बाल होते हैं उनमें भी जान डाल देता है। 1 चम्मच आप इसमें शहद ऐड कर लीजिए। साथ ही साथ आपको इसमें ऐड करना है 1 चम्मच यहाँ पर एलोवेरा जेल। तो मैंने यहाँ पर मार्केट वाला एलोवेरा जेल
लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर जो प्लांट वाला होता है वो भी एक टेबल स्पून एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हैं। एलोवेरा में विटामिन और खनिजों की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो बालों को टूटने से बचाने, मजबूती बढ़ाने, हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में फायदेमंद साबित होते हैं। इससे बालों में चमक लौटेगी, बाल मोटे घने बनेंगे। इसके इस्तेमाल से बाल हेल्दी बनेंगे, उनका ग्रोथ तेज होगा, बाल कमर तक लंबे होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट्स और ऐड करना है जो है यहाँ पर शैम्पू। तो आप इसमें कोई भी माइल्ड शैम्पू ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बाटिका शैम्पू। तो बाटिका शैम्पू जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो मैं इसमें बाटिका शैम्पू ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी शैम्पू इसमें ऐड कर सकते हैं। तो एक चम्मच आपको इसमें शैम्पू का इस्तेमाल करना है। शैम्पू का इस्तेमाल आपको बहुत अधिक मात्रा में भी नहीं करना है, क्योंकि शैम्पू में काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारे बालों को और भी ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, जिससे कि हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं, बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और हमें हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो अब आपको इस तरीके से अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। जब इसमें इस तरीके से झाग बनने लग जाए तो अब आपको इसका इस्तेमाल कैसे अपने बालों पर करना है, जिससे कि आपके बाल लंबे घने मजबूत होंगे और बालों में बहुत ही अच्छी सी चमक आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको इस शैम्पू का इस्तेमाल आप अपने बालों पर बिल्कुल नॉर्मल शैम्पू की तरह ही करना है। सबसे पहले आपको अपने बालों को गीला कर लेना है। बालों को गीला करने के बाद इस शैम्पू से आपको अपने बालों को वॉश करना है और कम से कम इसे 5 मिनट तक आपको लगा कर भी रखना है। और 5 मिनट लगाने के बाद दोस्तों आपको अपने बालों को अच्छे से साफ पानी से धो लेना है। पानी से धोने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपके बालों में एक अलग ही चमक आ जाएगी। बाल आपके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, बाल घने होने लगेंगे, बालों की ग्रोथ भी फास्ट होगी और आपका हेयर फॉल भी रुक जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप अपने शैम्पू को लगाने का तरीका बदल देंगे तो आपके बालों की काया पलट जाएगी और आपके बाल इतने ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे, इतने ज़्यादा घने और मजबूत हो जाएंगे कि लोग भी देखकर हैरान हो जाएंगे और आप अपने बालों को संभाल नहीं पाएंगे, इतनी तेज़ी से आपके बाल लंबे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस शैम्पू का इस्तेमाल आप हफ्ते में कम से कम 3 बार या फिर 2 बार अपने बालों पर ज़रूर इस्तेमाल करें और इसके इस्तेमाल से आपके बालों से जुड़ी हर समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।